प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, पिछले सत्र में हम लोगों ने साधन पाद के 11वें सूत्र से लेकर 20वें सूत्र तक का अध्ययन किया था। वहाँ पर हम लोगों ने दृष्टा दृश्य क्लेश का, क्लेशों को दूर करने के उपाय, और उस उपाय को करते करते अविद्या रूपी स्थिति में योग का क्या कारण होता है, वहाँ तक पहुँचे थे। आज के सत्र में उससे आगे शुरुआत करते हैं, तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग ब्लॉक 2 पे यूनिट नंबर 4 पे हैं, इसके आगे से आज पढ़ते हैं साधन पाद के। तो 21वां सूत्र, 20वें सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसको आप पिछले लेक्चर जो रिकॉर्ड हुए वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ दृष्टा उद्दृश्य दो शब्द आए हुए थे, तो जिसका विवरण हमने पहले कर लिया था, अब उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ है दृष्टा, दृष्टा देख कर करता क्या है, तो उसको महर्षि बताते हैं तदर्थ है दृश्य आत्मा। उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है, जो दृश्य है वो दृष्टा के लिए है, ये सभी जानते हैं। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग एवं अपौर की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग दृष्टा के लिए ही है। एकदम स्पष्ट रूप से महर्षि यहाँ बता देते हैं कि जो भी दृश्य दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी दृष्टा के लिए ही हैं। जो भी व्यवस्थाएँ हैं, जो भी भोग है, जो भी अपवर्ग है, अपौर मतलब मोक्ष, ये सारी व्यवस्था किसके लिए किया जा रहा है, उसी दृष्टा के लिए किया जा रहा है। आगे देखते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टप्यम तदन्य साधारण त्वात। अब वो क्या करना क्या है, वो जो दृश्य है, जो दृश्य है वो दृष्टा क्या करेगा, तो करना क्या है, जिसका भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो गया है, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ वह दृश्य नष्ट नहीं होता है। उसके लिए अब दृश्य की आवश्यकता न रह जाने के कारण अन्य साधारण लोगों के लिए उसका उपयोग है। यानी कि जो महापुरुष उस दृश्य और दृष्टा से ऊपर उठ गए, जिनका संयोग हो गया है, तो वो क्या होता है, दृश्य जो दिख रहे थे उसके लिए उनका उपयोग नहीं रह जाता है, वो भोग और अपवर्ग दोनों से परे हो जाते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां इनका कोई उपयोग नहीं। लेकिन साधारण योगी जो अभी योग साधना में लगे हैं, तो उनको अभी लगे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, दृष्टा दृश्य संयोग प्रसारित करने और जागृति रहती है। जो महापुरुष उस अवस्था को पहुंच गए हैं, वो दृष्टा और दृश्य को जागृत करने के और उनको प्रसारित करने की स्थिति में रहते हैं। इस पे एक उदाहरण भी यहाँ पे आप देखेंगे। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को दृश्य मिला कि एक भ्रष्ट योगी आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करें। यहाँ पे जिनका वर्णन हो रहा है, ये अनुसुईया में परमहंस महाराज जी थे, उनको एक दृश्य प्रसारित होता है कि एक भ्रष्ट योगी आ रहे हैं, योग पथ में लगे हैं लेकिन अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही। तो उनको वो दृश्य क्यों दिखाई दिया, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचे थे जो दृष्टा और दृश्य को प्रसारित कर सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसे भी योगी हैं जो भविष्य को भी देख लेते हैं, भूत को भी देख लेते हैं, और हमारे योग में त्रिकालज्ञ शब्द इसीलिए प्रयोग होता है। अब इसके आगे देखते हैं, अंततः हुआ आए और हम लोगों के सतीर्थ अग्रज महाराज जी के प्रथम शिष्य हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंत में वो जो दृश्य देखा गया था वो पूर्ण होता है और वो संत आते हैं, वही उनके उस परमहंस महाराज जी के पहले शिष्य होते हैं। आगे देखते हैं, फिर कहते हैं, साधारण लोगों के कल्याण के लिए उस दृश्य का उपयोग है। अब दृश्य और दृष्टा के संयोग का स्वरूप बतलाते हैं महर्षि पतंजलि। जो दृष्टा और दृश्य का वर्णन आगे कर रहा है, उसके संयोग का क्या स्वरूप है उसको बतलाते हुए कहते हैं, स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। वो संयोग क्या है, तो स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है अर्थात दृश्य, स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों के मिलन और कार्य करने में लग जाना जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है वह संयोग। संयोग क्या है, संयोग दृष्टा दृश्य और दृष्टा का मिलना, उनका योग हो जाना ही यहाँ पे महर्षि बताते हैं संयोग है। इस संयोग में फिर होता क्या है, दृश्य और दृष्टा स्वशक्ति, यहाँ दृश्य क्या है स्वशक्ति, दृष्टा क्या है स्वामी शक्ति, कार्य करने लगे, यही संयोग है, इसी से भजन जागृत होता है। जब ये दोनों मिल के आपस में कार्य करने लगते हैं तो इसी से क्या होता है, भजन की जागृति होती है। अब फिर कहते हैं महर्षि, संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो कहते हैं तस्य हेतुर्विद्या, इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या कैसे हुआ, तो इसको कैसे जानेंगे, तो अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग भी मिट जाता है,
क्योंकि ये संयुक्त होने से आपको क्या लाभ होगा, तो अविद्या का मिट जाएगा, और जैसे ही अविद्या मिटेगा तो अंत में संयोग का भी अभाव हो जाता है। इसलिए दृष्टा उदृश्य का संयोग होना जरूरी है। मिटी तो अविद्या, संयोग क्यों मिट गया? इसका कारण भी अविद्या ही है। या न होती तो दृष्टा को दृश्य समझना पड़ता, दृश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी, तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न दृश्य की आवश्यकता है न संयोग की आवश्यकता हो जाती है। तो दृष्टा ही क्या करता है, दृष्टा ही इस उपलब्धि को प्राप्त करता है, यानी कि अपवर्ग को प्राप्त करता है। दृश्य क्या है? दृश्य ही, तो अभी क्या हमने पढ़ा, तस्य हेतुर अविद्या। तो संयोग क्या है, संयोग क्यों जरूरत है, या संयोग क्यों हो रहा, तो अविद्या के कारण हो। अविद्या क्यों बना हुआ है, क्योंकि संयोग नहीं हुआ, इस संयोग के होने पे अविद्या मिट जाती, यानी कि दृष्टा और दृश्य का जैसे ही संयोग होता है योग में, अविद्या का मिट जाता है। फिर अंत में अविद्या की भी जरूरत नहीं थी। अविद्या का कारण क्या था, क्योंकि संयोग नहीं होता, जैसे ही संयोग होता है तो मिलन के साथ ही, उस योग के साथ ही यह संयोग का भी अभाव हो जाता है। इसी का देखिए यहाँ पे, मिटी तो अविद्या, संयोग क्यों मिट गया, यहाँ पे एक वर्णन भी आया, अविद्या भी मिटा और संयोग क्यों मिट गया, तो इसका कारण क्या है, अविद्या ही है, या अविद्या ही है जो संयोग का कारण है। या न होती तो दृष्टा को दृश्य समझाना पड़ता, दृश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी। अपवर्ग यानी जो दृश्य जो था, जो प्रकृति थी, उसने मोक्ष की व्यवस्था कर दिया। तो साधक को अब न दृश्य की जरूरत है और ना ही संयोग की, ना ही अविद्या की, सब मिट जाते हैं। तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न दृश्य की आवश्यकता है न संयोग की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, फिर 25वां सूत्र करते हैं महर्षि। तद्भावात संयोगा भाव हानम तदृशे कैवल्यम। यहाँ कैवल्य का वर्णन आया है। कैवल्य हम सभी जानते हैं, कैवल्य क्या है, मोक्ष को कहते हैं। तो महर्षि कहते हैं उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कि अविद्या से ही संयोग है और दोनों मिट जाते हैं, जैसे संयोग होता है विद्या भी मिट जाती है। यही हान पुनर्जन्म आदि कारण भूत वर्तमान और भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत भाव है। जैसे ही यह संयोग मिटता है, अविद्या मिट जाती है, आपके सारे दुखों का अंत हो जाता है और कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। महर्षि इस सूत्र में, दूसरे साधन पाद के 25वें सूत्र में इसी का वर्णन करते हैं कि यह क्या है, भविष्य वर्तमान और भूत में जितने भी दुख आने वाले उन सभी का अत्यंत अभाव हो जाता है, वही चेतात्मा का कैवल्य पद है। यहाँ वर्णन है कि वो चेतात्मा जो चेतन है उसका यही कैवल्य पद है जहाँ दुख मिट जाता है। अमृतमयी अविनाशी पद है, इसी को अविनाशी पद कहते हैं, अमृतमयी पद कहते हैं। यही कैवल्य पद, दुखों का अंत, अभाव, हान कब हो जाता है? अब यह दुखों का अंत, हान या अभाव कब हो जाता है? तो महर्षि कहते हैं विवेक ख्यातिर विपलया हानोपाया। यह हान का उपाय है, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। क्या है विवेक ज्ञान, क्या है? यही दुखों के अंत का उपाय है। इसको महर्षि ने यहाँ विवेक ख्याति का नाम दिया है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका है। विवेक जो अपना परिणाम देना है उससे पार करते हुए परिणाम को जब दे देता, तो वही महर्षि कहते हैं ये विवेक ख्याति। यहाँ महर्षि ने इसको विवेक ख्याति का नाम दिया। विवेक ख्याति क्या है? हान का उपाय है। यह उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं, अंत में वह संयोग उस महापुरुष के लिए नष्ट हो जाता है। अभी हमने कहा कि अविद्या संयोग होते माना विद्या मिट जाता है, विद्या के मिट जाने से आपको भूत भविष्य और वर्तमान में सारे दुखों का अभाव हो जाता है और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उस कैवल्य को महर्षि ने क्या नाम दिया था? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति से ही उस कैवल्य की अवस्था को प्राप्त किया जाता है, यहाँ महर्षि ये बताना चाहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 27वां सूत्र कहते हैं जैसे ही वो विवेक ख्याति होती है तो क्या प्राप्त होता है? तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। प्रज्ञा यहाँ पे बुद्धि को कह सकते हैं। तो वो कौन सी बुद्धि है? उस विवेक ख्याति ज्ञान की 7 अवस्थाएं होती हैं। जैसे विवेक ख्याति से प्राप्त ज्ञान होती है उसकी 7 अवस्थाएं होती है। महर्षि ने यहाँ वर्णन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे देखेंगे, महर्षि ने इनका नाम उल्लेख नहीं किया है उन 7 अवस्थाओं के, लेकिन हम जानते हैं कौन कौन से वो 7 हैं। स्वेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। ये 7 अवस्थाएँ होती है प्रज्ञा की,
जिसकी प्राप्ति इस विवेक ख्याति पे होने पे हो जाती है। अब विवेक ख्याति प्राप्त होती है, इस कब प्राप्त होती है, इस पे क्या कहते हैं? तो महर्षि कहते हैं योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षयो ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाते हैं। योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करने पे क्या हो जाता है? अशुद्धि का नाश हो जाता है और विवेक ख्याति प्रयत्न ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब इसको समझेंगे। ज्ञान आरंभ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है। ख्याति अर्थात ज्ञान अपने पूर्ण प्रकाश के अंतिम लक्ष्य दे चुका है, वह है विवेक ख्याति। इसके पश्चात रह जाता है कैवल्य पद, यानी कि जैसे ही विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद केवल अंत में कैवल्य पद शेष रह जाता है। किंतु अभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एक माध्यम है। इस योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर ही वो कैवल्य मिलेगा, क्योंकि कैवल्य अभी प्राप्त नहीं हो पाया। तो उसके लिए क्या करते हैं, महर्षि ने कुछ अंगों के नाम बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, वो अंग कौन कौन से हैं, योग क्या है? तो क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाव अंगानी। यहाँ महर्षि ने आठ अंगों का वर्णन किया है दूसरे अध्याय साधन पाद के 29वें सूत्र में। वो आठ अंग कौन कौन से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनमें से प्रथम अंग कौन सा था, तो यम। यम को हमने पहला अंग माना है, महर्षि ने माना है। उस यम के पाँच तत्व हैं, पाँच अंग हैं। कौन कौन से, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यमा। अहिंसा सतस्ते ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यमा, ये पांच यम है। अब यहाँ आप समझेंगे, आत्मरमण अहिंसा है, सत्य क्या है, एकमात्र आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न या सत्य आचरण है, यही सत्य है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्ते है, अस्ते क्या है, इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्ते है। फिर क्या है, मन सहित इंद्रियों को ब्रह्माचरण में प्रवाहित कर देना ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को क्या है, मन सहित इंद्रियों को जब ब्रह्म के आचरण के लिए प्रवाहित करेंगे, योग की प्राप्ति के लिए प्रवाहित करेंगे, तो वो यहाँ पर ब्रह्मचर्य है। विजाति संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है, मतलब जो योग से आपको दूर ले जाए उनसे बचना ही अपरिग्रह है। आगे देखते हैं, इन यमों की विशेषता क्या है, तो जाति देश काल समय अनुच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रत। यम को महर्षि ने सार्वभौम महाव्रत है, ये जाति देश काल और समय से ऊपर होते हैं, परे होते हैं। चित्त वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति, महर्षि ने बताया अर्थात जन्म है। मनुष्य वैसा है जैसे उसकी चित्त वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्था को प्राप्त करने का क्रम आता जाता रहता है। यानी कि जो चित्त की वृत्तियां हैं वो अपने निम्न स्तर से उच्च अवस्था में बदलती हैं, यही यहाँ वास्तव में जाति है। अभी हम देखेंगे, उदाहरण भी है, काकभुसुंडी महाराज अजगर के रूप में थे, फिर हमने देखा तमाम ऐसे कौए के रूप में भी रहे, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला, भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों से विभिन्न योनियों में थे, उसमें लेकिन यमों का पालन होता है। यानी कि ये आपकी योनियां बदलती रहीं लेकिन आपने अपने ज्ञान को बनाए रखा, तमाम योग में लगे रहे, तो ये यम क्या है, वो यमों का पालन होता रहा। भले काकभुसुंडी जी अजगर के रूप में गए, कौए के रूप में गए, जड़ भरत जी मृग के रूप में रहे, अन्य योनियों में गए, ऐसे महात्मा बुद्ध बता रहे हैं कि कई जन्मों में कई योनियों में गए, लेकिन उनका यम का पालन बना रहा। तो ये यम क्या हुए, सार्वभौम है, इसलिए महर्षि ने इनको क्या कहा है, महाव्रत कह दिया है। इसी तरह देश अर्थात नाम रूप या योग किसी एक अंग में जहाँ मन लगे लगाए रखना। देश क्या है, योग में देश किसको कहा गया है, यहाँ महर्षि ने देश किसको क्या, नाम रूप या योग में मन को लगाए रहना ही देश। काल क्या है, कितने समय लगा, काल का अर्थात स्पष्ट है समय, समय कितना लगा। ब्रह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता, ये हम सभी जानते हैं, वो किसी से है। आगे देखते हैं, छोटे मोटे निमित्तों जैसे किसी अवसर विशेष पे ही ब्रह्मचर्य का पालन होगा, इन तिथियों में पालन करेंगे, इस प्रकार की शर्तें उसे यम बाधित नहीं होता। इसलिए यह क्या है, यह यम क्या है, सार्वभौम है, हर समय जब चाहे जहाँ चिंतन निरंतर यमों का पालन में लगे रहे उस समय सार्वभौम आ जाते हैं। आगे देखते हैं, सभी योनियों भूमियों में सभी समय में सभी अवस्थाओं में सभी देशों में सभी निमित्तों में अबाध रूप से इनका आचरण होने लगता है, तो यह महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन करने के बाद नियम का वर्णन आ जाता है, आज हम यम और नियम को समझ लेंगे। नियम में कौन कौन से अंग थे, तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। कौन कौन से, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर शरणागति,
इन पांच पांचों क्या है नियम है। प्रिय शिक्षार्थियों, अभी हमने 32वें सूत्र तक पढ़ाई कर लिया है, इसके आगे नियम के पांचों अंगों का अलग अलग जैसे अभी विश्लेषण करेंगे यम और नियम का, और अष्टांग योग का हम अगले वर्णन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्रिय शिक्षार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही अगले लेक्चर में हम अष्टांग योग का पूरा वर्णन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।